तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को, जनरली ये वाले जो क्वेश्चन हैं बच्चे डाउट में लेके आते हैं, सभी को एक प्रॉब्लम आता है। तो नॉर्मल बात है, जो क्वेश्चन नहीं होगा किसी से वो सभी से नहीं होगा यार, ठीक है? ऐसा तो मतलब है ना, ये पॉइंट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर फिक्स एट ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स, ठीक है? बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक, बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए पॉइंट ऑन ए स्केल प्लेस जस्ट एबव द सोर्स एल, ठीक है ना? मतलब एक स्केल रखा हुआ जस्ट सोर्स एल पे, उसी पे स्पॉट होती है, उसी पे दोबारा वापस आ जाती है। स्केल इज प्लेस्ड जस्ट एबव इट एंड रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, पहले पार्ट, दिस इज द पार्ट फर्स्ट, ये जो है वो पार्ट फर्स्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि केस फर्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन का केस फर्स्ट है कि एक यहाँ से लाइट का सोर्स है एल, और ये यहाँ से मिरर है, दिस इज द मिरर, परपेंडिकुलर प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर एम, और एक बीम यहाँ से लाइट बीम जाती है और दोबारा वो इस मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ती है 90 डिग्री पे, तो वापस आ जाती है। और यहाँ पर जब वापस आ जाती है तो ये कहता है कि, और ये जो मिरर से ये डिस्टेंस एक्स इज ऑलरेडी गिवेन, यहाँ से एक डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवेन, और एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स फिक्स प्लेन मिरर डिस्टेंस द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक ए स्पॉट एंड स्केल प्लेस एबव एल। तो एल नॉर्मली इंसिडेंट एंड फिक्स ए सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, अब कहता है ऑन ए स्केल प्लेस्ड एबव द सोर्स एल, मतलब इसके ऊपर एक स्केल रखा है, मतलब इसी पे वहाँ पे स्पॉट आती है, जैसे आएगी वैसे वापस आ जाएगी। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इस मिरर को मैं रोटेट करूँगा, व्हेन द मिरर इज रोटेट थ्रू द एंगल थीटा डिग्री स्पॉट ऑफ लाइट पावर मूव थ्रू डिस्टेंस, मिरर इज रोटेट थ्रू एंगल थीटा डिग्री स्पॉट ऑफ द लाइट फाउंड टू मूव एट ए डिस्टेंस वाई ऑन द स्केल द एंगल थीटा इज गिवेन। देखो अब मुझे मिरर को रोटेट कराना है, जब हमें पता है कि, अगर तुम्हें पढ़े होगे कि अगर कोई मिरर है, अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट रे को फिक्स रहता हूँ और अगर मैं मिरर को घुमाता हूँ इधर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी डायरेक्शन में घूमती है। अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री घुमाता हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री घूमती है। तो ये बात तुम्हें याद होना चाहिए, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री घुमाता हूँ तो दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ मिरर। अब मैं मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करा दिया और ये पॉइंट ये ऐसे था, तो ये मिरर जो है, मिरर को मैं थीटा डिग्री यहाँ से रोटेट करा दिया। अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करा दिया तो जो नया नॉर्मल यहाँ, ये जो है वो पुराना वाला नॉर्मल था, जो कि इंसिडेंट रे ऐसे ही आएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से नई नॉर्मल, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, यहाँ से न्यू नॉर्मल ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना? तो न्यू नॉर्मल, क्योंकि हम मिरर को क्लॉकवाइज घुमाए हैं, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगी 2 थीटा डिग्री। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे रिफ्लेक्टेड रे अब यहाँ से ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है ना? अब इंसिडेंट रे ऐसे आएगी, दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ यहाँ से, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये सोर्स ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कुछ जाएगी, दिस इज द ऐसे। तो अगर ये मिरर थीटा डिग्री घुमा तो रिफ्लेक्टेड रे वाली, रिफ्लेक्टेड रे पहले इस लाइन पे थी तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में 2 थीटा घूमी होगी, ठीक है ना? बात समझ में आए? अब अगर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमी है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्स डिस्टेंस, चलो मान लो ये डिस्टेंस कुछ यहाँ से एक्स डिस्टेंस था, तो मिरर से जो पॉइंट एक्स डिस्टेंस था, तो वहाँ पर एक कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे कहता है व्हेन द मिरर रोटेट थ्रू स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस वाई, ये डिस्टेंस वाई मूव किया, यहाँ पर एक स्पॉट था, समझ रहे? ये इस पे स्पॉट वाई डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो यहाँ एक ट्राइंगल बन गया है, ये ट्राइंगल बन गया है कि ये डिस्टेंस वाई चला गया और ये रहा अपना एक्स, और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे दैट इज 2 थीटा, ठीक है? तो यहाँ से अगर तुम देखोगे 10 थीटा की जो वैल्यू है वो लगभग लगभग साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक
ठीक है, स्मॉल एंगल के केस में। और यहाँ से जो है टेन थीटा टू थीटा है, तो यहाँ से वाई अपन एक्स के बराबर होगा, और ये सब थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ टू थीटा के बराबर होगा। तो जो टू थीटा है दैट इज़ वाई अपन यहाँ से एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई अपन टू एक्स आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू वाई अपन टू एक्स, दैट इज़ डी ऑप्शन सही है। आई होप थोड़ा सा टाइम मैं लिया हूँ समझाने के लिए, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।